ये जो तीजों का त्यौहार मना रहे हैं तो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन पंजाब और श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 79 की तरफ से मना रहे हैं। आज जो है वो हमारी लेडीज मंडली ने हरे रंग के सूट हरे रंग की साड़ियां पहन के आई हैं, क्योंकि तीजों का त्यौहार जो है वो हरे रंग से ही हरियाली तीज है, इसलिए हरे का काउंटर लगाया गया है। मुख्य क्या कारण है? क्या आज गोलगप्पे का काउंटर लगाया गया है, उसका मुख्य मेन क्या कारण है? कारण यही है अभी लेडीज को गोलगप्पे ज्यादा पसंद है, इसलिए गोलगप्पों का जो है स्टॉल स्पेशल लगाया गया है। बाकी खीर पूड़ों का लंगर है, चने भटूरों का लंगर है और फ्रूट है, चावल है इसके साथ में ये है, और कम से कम भी 500 से ऊपर लेडीज जो हैं वो हमारे यहाँ मतलब इस समय आई हैं, और 3:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था तब से लेकर अब तक बहुत जोरों शोरों से जो है वो भजन संध्या जो है वो चल रही है। बहुत ही जड़ी है, नाल मिलके चलती है। ऐसा ही अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के जड़े मेंबर ने जिसमें अजय गुप्ता जी हैं, तरसेम गुप्ता जी बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा सहयोग देंगे है। इस प्रोग्राम के तरसेम गुप्ता जी ने काफ़ी सहयोग दिता है, अपनी कंट्रीब्यूशन की है, ता ये काम हो पाता है जो लोग सहयोग देंगे, क्योंकि मेन चीज़ हैगी है पैसा, पैसे के बगैर कभी कोई काम नहीं होंगे। तो साढ़े जे अग्रवाल समाज के बंदे है, ये जो अग्रवाल संगठन पंजाब है, ये गोलगप्पे की रेहड़ी है, चने भटूरे है, ये अग्रवाल समाज वालों जी लगी है और अपने मंदिर वालों लग रही है, अपने खीर और पूड़े का लंगर जरा है वो मंदिर वालों जरा है वो लगाया गया। गुप्ता जी मंदिर का निर्माण कार्य कितना पहुंचा, कार्य लंबे समय से भक्तों को भी कहते हो सहयोग दो, वो कितना पहुंचा है, किस चीज की लोड़ है? अद्दा अभी बाहर के मंदिर बनने जड़े है वो शुरू हो गए है, उन्हों का काम जरा शुरू हो गया, और साढ़े सुनील सूद जी और अजय गुप्ता जी जड़े है और पंकज गुप्ता, ये तीन बंदे देख रहे हैं और इन्हों की अगुवाई दे बहुत अच्छा काम जरा है वो शुरू होया। तुम देखो पिलर भी जड़े खड़े कर दिए गए हैं साइडा से, ये देखो जो लोहे के पिलर हैं ये खड़े कर दिए गए हैं, अंदर जी दीवार भी बना दी गई है, ये उम्मीद है भी नवंबर तक साढ़े बाहर के मंदिर का जरा फाउंडेशन वगैरह जोड़ा इन्हों का प्रोग्राम है ये सैट हो जाए। सू दान नहीं देंगे हाँ तक, क्योंकि यहाँ कम से कम भी 4 करोड़ का खर्च है, हले साढ़े को 3 करोड़ रुपए की कमी है। तो मैं लोगों अगे अपील करदा भी जोड़े साढ़े हिंदू समाज है जिहड़ा सनातन धर्म नूं मंनदा है वह वध तो वध चढ़ के मंदिर नूं दान देन, ताकि मंदिर जिहड़ा है वह जल्दी तो जल्दी बन सकन। और मैं अपने लाइव मैंबरां दा भी बहुत धन्नवादी हाँ जिहड़ा 500 रुपया महीना हर महीने सानूं दे रहे हैं और देंदे आ रहे हैं, और अगे भी उम्मीद करांगा भी इसी तरीके नाल देते रहेंगे। सर नाम की अपना दस्स। मैं अजय गुप्ता, फाइनेंस सेक्रेटरी सनातन धर्म मंदिर सभा। सारा फाइनेंस अगर आपके हाथ में है, फाइनेंस देख रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन में सुनील सूद जी, पंकज गुप्ता और मैं तीन जने मिलके कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे जो बाहर जो दूसरे छोटे मंदिर हैं उनका निर्माण कार्य शुरू हो गया, नवंबर तक हमें उम्मीद है कि हम ये कर लेंगे। हमें अभी इस टाइम लेंटर, मेन लेंटर पाना, मेन मंदिर का बेसमेंट हमारा कम्प्लीट है, लंगर हॉल कम्प्लीट है। अब ये जो बाहर वाले जो दूसरे साइड मंदिर हैं और मेन मंदिर का लेंटर, इसमें कोई हमें 40 लाख रुपए कट रहे हैं लेंटर तक। तो अब हम जनता से यही अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ के कुछ पैसे दें, ताकि हम ये नवंबर तक जो हमने टारगेट लिया है इसको हम पूरा कर सकें। सर अगली तीज में नई जगह पे मनाई जाएगी? अगली तीज हम अवश्य नई जगह में मनाना चाहेंगे, और अब तो हमारा जो लंगर पहले इसी ओपन जगह में होता था जहाँ आप खड़े हो, तो यहाँ लोगों को धूप वगैरह के बड़े चक्कर थे, अब हमारा लंगर हॉल पीछे कम्प्लीट हो गया, जो आप देखोगे बैक साइड में लंगर हॉल कम्प्लीट है। तब जो लोगों को धूप में कई बार खड़ के लंगर खाना पड़ता था, हम भी जब बहुत ज़्यादा धूप होती थी तो टेंट लगवा लेते थे, पर कई बार बजट ओवर हो जाता तो टेंट नहीं लग पा रहा था। अब हमने जो ये परमानेंट अपना लंगर हॉल बना लिया, तो वहाँ पे पंखे वगैरह सब कंप्लीट है, रेडी है, लंगर अगले हफ्ते से शायद वहीं शुरू हो जाएगा। तरसेम गुप्ता जी, सर तुसी बड़े डेडिकेटली मंदिर दे नाल जुड़े हुए हो, हर बार तुसी कोई ना कोई दान पुण दा काम करदे हो, इस दे विच भी कीता है, की कहना चाहोगे? प्रभु कृपा जी, अंकल जी दी आशीर्वाद है, प्रभु दा आशीर्वाद है, जो सहयोग दिता जाए वो दिने अस अपने वालों।
कोशिश कर रही है जो बद्दो बद हो जाए देना चाहता जी। बस उन्होंने उत्ते प्रभु कृपा नहीं है जो नहीं दे पाते ना प्रभु अपनी इच्छा नाले कढ़वाते जी तो कढ़वाना है उन्होंने बगैर मर्जी नहीं निकल हो सकता हो रहा होगा जी। तजिंदर सिंह सैक्टर 80 गोल्डन टोन सोसाइटी चाहता मैं ते गुप्ता जी मेरे बड़े खास फ्रेंड ने असी कट्ठे रहने ते मेरी वाइफ मेरे बच्चे सारे इतने आए ने तीज का त्यौहार मनान मंदिर से मैं बहुत अच्छा लग रहा है मैं बहुत इंजॉय कर रहा मैं ए लग रहा मैं आशीर्वाद आ रहा मैं सारे पास मैं इन्हों हर फंक्शन तकरीबन अटेंड करता गुप्ता जी नाल मैं आना हर चीज बड़ी अच्छी वेल मैनेज होती है किसे कोई प्रॉब्लम हाँ मैं तो लगता है सही यूटिलाइज होता है बाकी पता नहीं मैं अंदर खाते गया हुआ मैं तो बहरों जो देखना जो अच्छा चल रहा है काम इन्हों का हाँ जी दिख रही है मैं पहली दस चुका भी मैं बड़ा अच्छा लगे इतने आके रौनक मेला लगे हुआ है मेरे बच्चे परिवार सारा मेरा मम्मी मेरे आए हुए ने मैं बहुत मजा आ रहा है हाँ जी गोलगप्पे खा के बड़ा मजा आया सब तो पहले गोलगप्पे ही खाए मैं एक तो मैं अपने सेक्टर के और बाहर के जो हमारे ट्रस्टी बने हैं उनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही जो कलेक्शन जो है वो ज़्यादा इकट्ठी हो पा रही है अभी हमारे डॉक्टर गोयल जो हैं वो अभी इसी हफ्ते जो हैं हमारे ट्रस्टी बने हैं और लोगों से अपील है कि भी ट्रस्टी बने ताकि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो और मंदिर के जो लाइव मेंबर हैं वो भी बढ़ रहे हैं तो जो मंदिर में लाइव मेंबर और बनना चाहते हैं उनका हमने 31,000 रुपया लाइव मेंबरशिप का रखा है और उम्मीद है या जो लोग बनना चाहते हैं वो हमारे से मिलें और लाइव मेंबर बने हमारे 2022 से मंगलवार का भंडारा जो है वो चल रहा है और अभी तक जो है वो पूरा भंडारा जो है वो अभी तक चलते आ रहे हैं 22 तारीख को विनोद गर्ग का मंगलवार को भंडारा है इसी तरीके से हमारे पास सितंबर सारा भंडारों का बुक है ये 3 महीने रह गए अगले वो भी काफ़ी लोग जो कह रहे हैं हमने भंडारा करवाना है उम्मीद है कि दिसंबर तक हमारे पास भंडारे बुक हो जाएंगे ये सब हनुमान जी और सालासर धाम जो बालाजी हैं उनकी हमारे ऊपर कृपा है जब से हमने उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई है तब से भंडारों का भंडार लगा हुआ धन्यवाद राजदीप सिंह क्या कहना चाहोगे आज ईद का त्यौहार है और 79 मंदिर में हो रहा है कैसा भव्य मंदिर है कैसा इसके बारे मंदिर के बारे में आप थोड़ा विस्तार में मंदिर पुराना मंदिर है देखो आप रौनक लगी हुई है तीज के त्यौहार पे आज लेडीज एंजॉय कर रही हैं सारा बढ़िया प्रोग्राम है ये लेडीज के बाकी तो महामाई की कृपा है हमने क्या लगवाना है चलो इसी बहाने धर्म कर्म का काम हो जाता है बस ये साढ़े गुप्ता जी बैठे है गुप्ता जी सानू करते रहते हैं हाँ गाइड Yeah.
ਕਰੀਏ।